अब हम देख लेते हैं डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, वो बेसिकली क्या चीज़ है, हमने अभी तक ये पढ़ा। लेकिन अब हम इसमें पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन में कि एक्चुअली ये है क्या और ये इसमें किस किस कंपोनेंट की या किस किस की हमको रिक्वायरमेंट होती है इन प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, डेटा कम्युनिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेटा कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा। हम कोई भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या होता है, उसको ही, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि डेटा के कम्युनिकेट करने को ही। हम कोई भी इंफॉर्मेशन है एक प्लेस से अदर प्लेस पर सेंड कर रहे हैं, और जो हमारी अदर प्लेस है अगर वो भी हमको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है हमको, तो उसी कम्युनिकेट होने को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, यानी कि डेटा के कम्युनिकेशन होने को हम डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। डेटा कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। देखिए, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को या डेटा को शेयर करते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो हम किसके यूज़ से करते हैं या किसकी हेल्प से करते हैं, डिफरेंट मीडियम। हमारा जो मीडियम होता है सेंड करने का, जिसमें कि हमारा जो डेटा एक तरीके से ट्रेवल करता है, वो मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट मीडियम हो सकता है। दी बेसिक कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आर फॉलोस। जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स होता है कम्युनिकेशन करने के लिए भी होते हैं, सोर्स होगा यानी कि एक तरीके से सेंडर, हमें नंबर वन हमें कोई भी मैसेज सेंड करना है, ये हमारा एक प्लेस हो गया और ये हमारा सेकंड प्लेस हो गया। ये यहाँ पे आप हो, ये यहाँ पे अदर पर्सन है कोई, आपको यहाँ पे मैसेज सेंड करना है किसी अदर पर्सन पर, तो आप क्या हो गए, सेंडर। और जो यहाँ पे सेकंड अदर पर्सन है, जो रिसीवर है, वो यहाँ पे उसको बोलेंगे हम रिसीवर, हम उसको होस्ट भी बोल सकते हैं, और जो सेंडर होता है उसको हम सोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की और इसने यहाँ पे रिसीव कर ली उसी इंफॉर्मेशन को, तो जो हमारा जो बीच में होता है वो हमारा वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, और वायर भी हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं, कई तरीके के हमारे वायर्स होते हैं जिसमें हमारा जो इंफॉर्मेशन होती है, या मैं बोल सकता हूँ जो हमारा डेटा होता है, वो ट्रेवल करते हुए रिसीवर तक पहुँचता है, तो उसको हम मीडियम बोल सकते हैं, या हम इसको चैनल भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं आगे। नंबर वन, मैसेज, हमारा कोई भी मैसेज है, दी मैसेज इज़ द डेटा और इंफॉर्मेशन। हमने कोई भी मैसेज टाइप किया तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन। आपने लिखा हाय, हाय हाय लिखा आपने, तो वो क्या होगा, वो मैसेज है, आपको भी पता है, लेकिन आपको वो चीज़ यहाँ तक पहुँचानी है, ये मैसेज यहाँ तक पहुँचाना है, इसके लिए क्या है, ये इंफॉर्मेशन एक, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ सेंड किया, तो मैसेज भी यही है हमारा, डेटा भी यही है और इंफॉर्मेशन भी यही है। दी मैसेज इज़ दी डेटा, मैसेज क्या होता है, डेटा होता है, और इंफॉर्मेशन, इसको हम इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। टू बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, हम कोई भी कम्युनिकेट करते हैं तो हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, डेटा की, या एक तरीके से इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो हमारा मैसेज होता है वो डेटा होता है और इंफॉर्मेशन होती है कम्युनिकेट करने के लिए। टू बी कम्युनिकेट, इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, ये हमारा जो टैक्स भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, जैसे कि आपका व्हाट्सअप है, आप वहाँ पे टैक्स कर सकते हो, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। आपने कोई वीडियो शेयर की तो ये क्या हो गई, पिक्चर, या फोटो शेयर की तो ये क्या हो गई, पिक्चर। ये साउंड भी हो सकती है, आपने कोई साउंड शेयर किया, ये वीडियो भी हो सकती है, और एनी कम्युनिकेशन ऑफ दिस, सॉरी फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारी ये इंफॉर्मेशन होती है। हमारी इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट में, पिक्चर में, साउंड में, वीडियो में, किसी भी फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। और जब हम उस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जो भी उस इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, उसको हम बोलते हैं सेंडर। ये तो हमारी हो गई मैसेज की बात, अब हम देख लेते हैं सेंडर, जो कि उस मैसेज को शेयर करेगा। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताया कि हमारा मैसेज क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सेंडर वो होता है जो कि उसको सेंड करता है, जो हमारा मैसेज होता है उसको जो सेंड करता है उसको हम सेंडर बोलते हैं।
सेंडर इज ए डिवाइस दैट सेंड्स मैसेज। देखिए जो सेंडर होता है यहाँ पे बोला गया है सेंडर इज ए डिवाइस। आप सेंडर एक मैन हो सकता है लेकिन यहाँ पे लिखा है सेंडर इज ए डिवाइस, यहाँ पे सोर्स एक तरीके से, यहाँ पे सेंस है उसका सोर्स है। आप ये मत समझ लेना कि एक इंसान यहाँ पे डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पे उसको रिलेट किया गया है किसी सोर्स से, यानी कि जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा, स्टार्टिंग में जो इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा यानी कि ट्रांसमिट करेगा, उसको यहाँ पे सेंडर बोला गया है। सेंडर इज़ ए डिवाइस दैट सेंड्स मैसेज, जो कि मैसेज को सेंड करता है। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड सोर्स, उसी को हम सोर्स भी बोलते हैं और ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया उसी को हम ट्रांसमीटर भी बोलेंगे क्योंकि वो ट्रांसमिट कर रहा है। नॉर्मली कंप्यूटर इज यूज एज सेंडर इन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमारा कंप्यूटर क्या है, एक सेंडर है, क्योंकि सेंड तो वही करेगा भाई। मैन क्या काम कर सकता है, जो इंसान है वो टाइपिंग ही तो कर सकता है, हार्डवेयर का यूज ही तो कर सकता है, लेकिन उस काम को कर कौन रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, वो कंप्यूटर की हेल्प से ही तो हो रहा है। कंप्यूटर ही तो कर रहा है सारे काम, जो इंटरनली वर्क जो कर रहा है वो कंप्यूटर ही तो कर रहा है। तो कंप्यूटर का यूज़ हम इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए भी उसका यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिसीवर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी मैसेज हमने सेंड किया तो रिसीवर का क्या काम होता है, उस मैसेज को रिसीव करना, उसी को हम रिसीवर भी बोलते हैं। रिसीवर इज़ ए डिवाइस। अब यहाँ पे हमारे दो कंप्यूटर है, एक ये और एक ये, इसने यहाँ से सेंड किया तो ये हो गया कंप्यूटर, क्या है एक तरीके से डिवाइस है, तो इसने सेंड किया एक मैसेज दूसरे कंप्यूटर को, तो ये हो गया हमारा सेंडर जिसने सेंड किया। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिसीव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर हो जाएगा रिसीवर। लेकिन जब ये वाला कंप्यूटर इसको करेगा मैसेज सेंड तो ये सेंडर हो जाएगा, ये रिसीवर हो जाएगा। तो रिसीवर इज ए डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज। रिसीवर एक ऐसी डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करता है। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड सिंक, हम इसको सिंक भी बोलते हैं। द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर, हमारा रिसीवर एक कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है और अनादर कंप्यूटर रिलेट्स टू डिवाइस, जैसे कि हमारा मोबाइल तो वो भी हो सकता है। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज, ये कैपेबिलिटी रखता है मैसेज को एक्सेप्ट करने की, यानी कि रिसीव करने की। अब मैंने आपको बताया था इसमें तीन कंपोनेंट काम करते हैं, सेंडर, मीडियम और रिसीवर। मैंने आपको सेंडर के बारे में बता दिया, रिसीवर के बारे में बता दिया, अब देख लेते हैं मीडियम। मीडियम इज़ द फिज़िकल पाथ, ये एक फिज़िकल पाथ होता है, वो जैसे हमारी केबल भी हो सकती है, मैंने आपको बताया था केबल में को जब हमारा डेटा ट्रेवल करता है, दैट कनेक्टेड सेंडर एंड रिसीवर। ये कहाँ पे कनेक्ट होता है, रिसीवर पे कनेक्ट होता है और सेंडर पे कनेक्ट होता है। जैसे कि हमारा ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे, जब तो हमारी इंफॉर्मेशन शेयर हो पाएगी, तो यहाँ पे हमारा ये फिज़िकली कनेक्ट है, ठीक है। फिज़िकली हमने कोई भी वायर कनेक्ट किया तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कौन लेके जा रहा है डेटा को, ये मीडियम ही तो लेके जा रहा है, तो इसका यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। दी मीडियम कैन बी ए कॉपर वायर, ये मीडियम हमारा कॉपर वायर का भी हो सकता है, ए फाइबर ऑप्टिक केबल का भी हो सकता है। फाइबर ऑप्टिक केबल किस तरह वर्क करता है, उसमें जब हम कोई भी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो वो लाइट की फॉर्म में डेटा को ट्रेवल कराता है, और जो हमारा कॉपर होता है ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं ना उसकी फॉर्म में डेटा को ट्रांसफ़र कराता है। माइक्रोवेव ETC, वो माइक्रोवेव की फॉर्म में भी हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, इसी को हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था इसको हम चैनल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी लिखा है इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। अब देख लेते हैं एनकोडर एंड डिकोडर। देखिए इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ एनकोडर और डिकोडर क्या होता है। द एनकोडर इज़ ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इन ए फॉर्म दैट कैन पास थ्रू ए ट्रांसमिटेड मीडियम। जो हमारा एनकोडर होता है तो वो सबसे पहले देखता है जो हमारा ट्रांसमिटेड मीडियम है, यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है और यहाँ पे ये मीडियम है सेंड करने का, तो ये
एनकोडर हमारा इधर ही लगा होता है, यहाँ पे एनकोडर, तो ये सबसे पहले देखेगा कि हमारा ये मीडियम किस टाइप का है, ये कॉपर वायर है या ऑप्टिकल वायर है। अगर इलेक्ट्रिकल वायर है यहाँ पे ये, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको चेंज कर देगा। अगर ये ऑप्टिकल है हमारा, ऑप्टिकल केबल है, तो ये इसको लाइट की फॉर्म में चेंज कर देगा, क्योंकि जो हमारे ऑप्टिकल केबल होते हैं वो लाइट की फॉर्म में ही डेटा को सेंड कर सकते हैं, तो ये उसको लाइट की फॉर्म में ही चेंज करके उसको देगा इनपुट में। अगर ये हमारा कॉपर है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके देगा, क्योंकि हमारा जो कॉपर होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर वर्क करता है। तो ये किसका काम होता है? एनकोडर, एनकोडर का। वो पहले समझेगा कि हमारा मीडियम कौन सा है। दी डिकोडर इज ए डिवाइस, मैंने आपको एनकोडर का बता दिया, अब देख लेते हैं डिकोडर। देखिए एनकोडर का काम ये होता है, जब हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है यहाँ पे रिसीवर की साइड, तो ये उसको एक एक्चुअल डेटा में चेंज कर देता है, यानी कि डिजिटल डेटा में। हमारा जो भी डेटा होगा, हमारा डेटा, हमारा कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? 0-1 की फॉर्म में वर्क करता है, बाइनरी लैंग्वेज पर वर्क करता है। तो इसको इसने यहाँ पे कन्वर्ट किया, आप सपोज कीजिए यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है, एनकोडर ने क्या काम किया, इसको लाइट की फॉर्म में चेंज कर दिया, जो कि ऑप्टिकल केबल लाइट की फॉर्म में ही वर्क करता है। यहाँ पे इसको लाइट की फॉर्म में इनपुट मिल गया, इसने यहाँ पे आउटपुट भी लाइट की फॉर्म में दिया। फिर हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डिकोडर। डिकोडर क्या काम करेगा? उस लाइट का जो हमारा ये सिग्नल आया, उसके आउटपुट को लेगा और ये फिर से एक्चुअल डेटा, जो हमारा ओरिजिनल डेटा था बाइनरी फॉर्म में, यानी कि डिजिटल फॉर्म भी बोलते हैं हम इसको, ये डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा और रिसीवर तक पहुंचा देगा। तो डिकोडर का ये वर्क होता है, जिससे कि जो हमारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन क्या है? 0-1, लेकिन यहाँ पर हमको आउटपुट पर क्या मिल रहा है यहाँ पर अब तक? ये लाइट की फॉर्म में डेटा मिल रहा है। तो डिकोडर क्या करेगा? इस लाइट की फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो ये 0-1 ही हमको यहाँ पे रिसीवर पे मिलेगा। तो ऐसे हमारा ये प्रोसेस पूरा का पूरा होता है। द डिकोडर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनकोडेड सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल। जो हमारा एनकोडेड सिग्नल होता है, पीछे जिस एनकोडेड हुआ ना वो, तो उसको ये डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिकोडर। The receive can be understand the digital form of message। जो हमारा receiver होता है वो आसानी से समझ सकता है digital form को, जो हमारा message होता है digital form में, उसको ये आसानी से समझ सकता है। Sender and receiver can not communicate successfully without encoder and decoder। देखिए जो हमारा communication होता है वो विदाउट एनकोडर और डिकोडर के सक्सेसफुल नहीं है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है।